और एक बार फिर मैं मौजूद हूं बातचीत करने के लिए कैनॉट प्लेस में। जी हां, मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस हफ्ते के आखिर में सैटरडे को मैं अहमदाबाद में मौजूद रहूंगा, संडे अहमदाबाद, और मंडे को भी हमारा शो जो है अहमदाबाद में होगा, गुजरात में। लेकिन अभी तो बात यहाँ कैनॉट प्लेस में, वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे जुटते हैं बातचीत के लिए आते हैं, और वो तमाम सारे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आज शुरू करेंगे, और मुद्दा दरअसल ये है कि शाहीन बाग, जिसमें आज वार्ताकार अभी लौटे हैं, दो वार्ताकार लौटे हैं, एक वार्ताकार हबीबुल्ला साहब वहां पे मौजूद हैं, उन पर बातचीत का, तमाम सारे लोगों से बातचीत की जिम्मेदारी है, तो वो जो वहां पे बैठी हैं औरतें महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे और कैसे हटाया जाए वो शाहीन बाग से, और उनकी क्या बात है, इसको दोनों को सुनने के लिए वार्ताकार वहां पे गए हैं। मुद्दा आज यही है, बातचीत का सिलसिला भी यही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे दूर से लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। एक शख्स हैं जो यहीं पे मौजूद हैं, मैं उनसे मिलाऊंगा, अगर बातचीत मुझे दिख गए तो मैं देखूंगा। मुझे कल मिले थे और उन्होंने कहा कि मुझे 10 साल की उम्र कैद हुई है। ध्यान से सुनिएगा बात, 10 साल की उम्र कैद हुई, उसके बाद मैं छूट के आया, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और मैं सोसाइटी में आना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ, बच्चों के जो छोटे छोटे झुपड़पट्टियां हैं उनमें जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। भैया जी, कहीं जो शो है वो ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए जरूरी तौर पर शो है। उनका कहना है मुझे 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोर्ट ने मुझे बरी करा और बरी होने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ लेकिन कोई बात सुनना नहीं चाहता। दरअसल सारे लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं कैदी हूँ या मुझे सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है। तो देखिए साहब, सोसाइटी में होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और वो अगर शख्स एक बार मौका चाहता है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। वो अगर मुझे दिख गए यहाँ पे तो मैं जरूर उनसे बातचीत करूँगा जी। बातचीत के सिलसिले को आज आगे मैं बढ़ाऊंगा और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे भी बात करूंगा जी। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? हाँ। तो बहुत दूर से आ गए आप तो? हाँ, बस आ गए, कुछ काम था यहाँ पे। अरे इतना भी दूर नहीं है। हाँ जी, तो मैं आप जो बात कर रहे थे अभी, हाँ, कि उस शख्स के बारे में जी, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक पिक्चर आई थी दुश्मन राजेश खन्ना की। हाँ, आई थी। वो पिक्चर उन सबको दिखानी चाहिए जो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जी। जरूर मौका मिलना चाहिए उनको, बराबर मौका मिलना चाहिए, और हम सबको उनको मौका देना चाहिए। वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में, वो आना चाहते हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जेल में रहकर बहुत सारी चीजें सीखी और अब मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो उनको जरूर मौका मिलना चाहिए जी। जनाब, कहाँ से हैं आप? लद्दाख से हैं सर। लद्दाख से आए हैं, क्या नाम है तुम्हारा? छेवांग डोलकर। लद्दाख से? तो अभी वहाँ क्या टेम्परेचर है सर? -12-13 है सर। -12-13 है, ज्यादा नहीं है? -12-13 में तो काम चल ही जाएगा ना। अरे यहाँ पे 6 हो जाता है तो ऐसे कड़कड़ाते हैं जैसे, लेकिन आप साहब जीवट के लोग हैं और यही भारत है, और यही भारत का दृश्य दिखता है, तमाम सारे लोग एक जगह जुट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए हैं यहाँ पे, आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं साहब? मैं राजस्थान सीकर से। राजस्थान से सीकर से? बड़े कलरफुल दिख रहे हैं साहब, कलर ही है वहाँ पे। कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? बस आपका शो देखने के लिए आए थे। मेरा शो देखने के लिए आए थे, तो बैठिए साहब, देखिए अभी आपको लद्दाख के मिलके उधर लखनऊ से आए हुए हैं जी। बाबू जी नमस्ते, क्या नाम है साहब? विद्यासागर सिंह। विद्यासागर सिंह, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं कि शाहीन बाग का जो मुद्दा है, शाहीन बाग का जो मुद्दा है जी, उस पर सरकार सीरियसली, जैसे क्लासिकल स्ट्राइक उस पर होनी चाहिए, एक शब्द मेरे तरफ से अपना अनुभव जो है, और हर तबके के लोगों को बड़ा ठंडे दिल से वहाँ सोचना पड़ेगा और जितना जल्दी हो इशू खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने बिल्कुल बात कही कि जितनी जल्दी हो वो इशू खत्म होना चाहिए। घर की बहन, माँ, दादी सड़क पे बैठे हैं, ज्यादा देर बैठे, उन्होंने तो ठंड काटी है, मैंने देखा इतनी ठंड इस बार दिल्ली में पड़ी और वो सब के सब सड़क पे बैठे रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि जल्दी से जल्दी वो दूर हो। प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का अख्तियार है, सबको अख्तियार है,
ठीक वैसा ही अख्तियार उन लोगों का भी है जो ये बार बार कहते हैं कि रास्ता खुलना चाहिए, उनका भी अख्तियार। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे आना हुआ? शाम को चले जाते हैं 3 मिनट का। शाम को चले जाते हैं 3 बजे के बाद? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आए हैं। अच्छा, तो सब खैरियत? तो सब बढ़िया है। हाँ जी, आप तो बगैर बोले रहते नहीं, बड़े दिनों बाद आए हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल बिजनेस फ्लॉप, बिजनेस फ्लॉप चल रहा है। कर काम क्या करते हैं आप? स्क्रैप का काम। स्क्रैप का, स्क्रैप का काम तो हो ही नहीं सकता फ्लॉप। स्क्रैप का काम तो कभी निकलता होगा। है, हो गया, हो गया, मुकद्दर खराब है। हाँ जी 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 जी, आ गया आ गया। हाँ जी, चोरी होती थी, डकैती होती थी और गाड़ियां कटती थी, जो ट्रेन का जो सामान अवैध रूप से बेचा जाता था, उन सबों में कमी आई है, रोक लग गई है। क्यों लग गई? मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। सलाम वालेकुम, मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, आ गए? कहाँ से? अरे आ जाइए, अरे अपना ही है, आइए। ना 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 ना, शाहीनबाग जरूर, थोड़ी हर आदमी को शाहीनबाग से पूछा है। कैसे हैं आप? आपके मजमा देख के आए हैं। मजमा देख के आए? तो रोज मजमा ही लगाता हूँ मैं तो। फायदा क्या होता है मजमा से? फायदा क्या होता है ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बताएगा कोई फायदा क्या? हाँ हाँ, फायदा ये होता है कि देश में जनता की आवाज जाती है और देश में एक मिजाज बनता है, कितना लोग गलत है कितना सही है, और ये बहुत जरूरी है देश का एक राइट ओपिनियन बनना। देश को आगे जाना है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से राइट ओपिनियन बनकर निकलना होगा, बेकाबू और बेलगाम लोगों से छुटकारा पाना होगा देश। मुझे लगता है मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में इतना अच्छा नहीं मालूम जितना आपको मालूम है मेरे प्रोग्राम के बारे में। ये भी कमाल की बात, किसी ने पूछा था इससे क्या मतलब होता। देखिए, मजमा जरूर है ये, लेकिन मजमे में बहुत सारी बातें हैं। अब आपको क्या लेना है ये आप यहाँ से लेके चलते बनिए, और आपको अगर मजमा ही देखना है तो मजमा दे। जी जनाब अली, कैसे हैं? अरे हाथ तो मिलाइए, इधर आइए। क्या नाम है साहब? राजेश सिंह। राजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर जिला। जौनपुर, अच्छा, ये उत्तर प्रदेश? जी 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 जी। पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा जनता की बातें हम लोग टीवी में देखते हैं और बड़ी अच्छी आपका प्रोग्राम होता है। अच्छा, जब नाराज हो जाते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं आती है, फिर आपका करने का जो शेड्यूल है बहुत बेस्ट है, इसलिए धन्यवाद आपको पहले। लेकिन जो आंदोलन हो रहा है सबको करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर न करें कोई। शाहीनबाग के बारे में आप बोले कि सार्वजनिक प्लेस पर न करें। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? कोलकाता से। तो कोलकाता दी के तो बांग्ला बोलते पर रही है कि है ना घूमने? अच्छा अच्छा, तो हम तो थोड़ी बहुत तो बंगला जानते हैं इतना जो मैं। हाँ और क्या, अच्छा क्या, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, अच्छा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे मेहमान जरूर हैं, मौजूद हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, मेहमान थोड़ा देर से आते हैं आजकल। इफ्रा जान हमारे साथ, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निगत अब्बास बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़क्किर ज़मा साहब कुछ आने वाले हैं तो उनका इंतजार है। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैंने बताया कि कहां से जुड़ना है, कहां से आज बातचीत शुरू करनी है। दरअसल ये कि वार्ताकार गए हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जरूर आऊंगा। वार्ताकार गए हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन जो वहां पर बैठे हैं उन्होंने कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे, अभी ये कहा है, लेकिन अभी 5 दिन और हैं बराबर। उन्होंने कहा है जो वार्ताकार हैं कि मैं आऊंगी, वापस आऊंगी वहां पे, वो जाएंगे, बातचीत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सवाल ये है कि मसला तो छोटा सा है, छोटा सा इसलिए कह रहा हूं मैं मसले को छोटा नहीं कह रहा हूं, मसला ये है कि क्या सिर्फ बैठे रहना या उठना ही बात है? मेरा मानना है ये सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात इसके पीछे बहुत सारी है। क्या ऐसे ही बातचीत होगी? पहले आप बैठ जाइए, फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करिए। यह सरकार पहले भी आ सकती थी, बातचीत कर सकती थी, या जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर बार बार जब ये बात होती है तो मैं आज उसको सामने रख देता हूं, वो कहते हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, कि असम में 19 लाख लोग निकाले गए, 13 लाख लोग हिंदू हैं, 5 लाख लोग जो हैं मुसलमान हैं। वो जो 5 लाख लोग मुसलमान हैं उनकी तो एंट्री सीए के जरिए नहीं हो पाएगी, लेकिन जो 13 लाख हिंदू हैं वो सीए के जरिए बैकडोर से चले जाएंगे। ये बात मिसाल सर, नहीं आपके पास तो सारा जवाब है, मैं आपको भेजूंगा।
असम से तो ये असम से अच्छा तो ये बार बार बात कही जाती ये मुद्दे हैं जिसको लेकर बार बार या तो कंफ्यूजन की स्थिति है या आदमी जानना चाहता है आखिर स्थिति है क्या। जी स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्रतीक जी, लगभग 70 दिन हो गए शाहीन बाग के मुद्दे पे हर चैनल में, लगभग हर डिबेट में मैं भी हूँ, बाकी सब लोग भी हैं, बहुत बाहर बहस हुई है। और देखिए, एक बात को आप 10 बार कहें या 1000 बार कहें, उसका अर्थ बदलता नहीं है। जी, जो कानून है वो कानून है, बड़ा स्पष्ट है, कागजों में है, किताबों में है, कोई कही हुई बात नहीं है, उसको हर आदमी पढ़ सकता है। अब प्रश्न ये है कि देखिए, मेरी पहली बात तो पूरी सहानुभूति है, हमारी बहनें हैं, हमारे लोग हैं वो जो बैठे हुए हैं। दूसरी बात, लेकिन जिनका रास्ता रोका हुआ है वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमारी ही बहनें हैं, वो भी हमारी बहनों के ही पति हैं जिनका रास्ता रोका हुआ है। 70 दिन से इलाके में नरक मचा हुआ है, आने जाने की दिक्कत है। तीसरी बात देखिए, मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाकी नहीं रखता कि प्रदर्शन करने के लिए आपको हिंदुस्तान में आज़ादी है। मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ सब भाइयों बहनों से। आज एक समुदाय प्रदर्शन कर रहा है, कल को देखा देखिए दूसरा समुदाय किसी गलत बात पर अगर 10,000 आदमी या 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाए तो क्या देश के कानून सड़क पे बनेंगे? आप गलत बात करते रहेंगे ये आपने मान लिया, और आप प्रदर्शन करने पर रोक लगाते रहेंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं कि किसी गलत बात पर प्रदर्शन कोई और करे, बिल्कुल करेगा, आप किसी का और के साथ ज्यादती करेंगे। आप करिए किसी के साथ गलत बात, ये कैसी बात है? कोई भी समुदाय निकल कर आएगा? अपने भाई से माफी चाहते हुए पूछना चाहता हूँ, ये बताएं, अगर 5 लाख हिंदू सड़कों पर उतर आया और उसने कहा मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म कर लीजिए, सरकार को मान लेना चाहिए। आप 5 लाख नहीं, 5 करोड़ हिंदू लेकर के आइए, वो देश के खिलाफ होगा, मुसलमान के खिलाफ नहीं होगा। जो इस देश में मार काट करने उतरेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ उतरेगा, मुसलमान के खिलाफ नहीं उतरेगा, और जो हिंदुस्तान के खिलाफ उतरेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाई आप शाहीन बाग में जाके देखिए, वहाँ हमारे हिंदू भाई साथ में पूजा कर रहे हैं, वहाँ हमारे सिख भाई उन्हें लंगर लगाया है, कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं और हिंदू महिलाएं भी है। आप क्या बोल रहे हैं, एक समुदाय एक समुदाय? जहाँ तक CAA के विरोध की बात है, 2 सेकंड के लिए सही है गलत है साइड पे रख देते हैं। CAA का विरोध पूरी दुनिया के हिंदुओं ने किया है। गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई मुस्लिम है, नहीं विरोध किया। हमारे नोबेल प्राइज किसने लिया? एक सेकंड, हमारा नोबेल प्राइज किसने लिया है सर? अभिजीत बैनर्जी ने इकोनॉमिक्स में। वो हिंदू है? नहीं हिंदू है, विरोध किया। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे, हिंदू तो साथ है, भाई इसका तो ऑल इंडिया, इसका तो पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने विरोध किया है। हाँ, मैं आ गया, मुझे मालूम है सारे, मुझे मालूम है। ना, पहले पहला शर्त ये है कि जब बातचीत कही जाए हमको संयत रहना है, बिल्कुल आराम से, कूल डाउन। अगर आप नहीं, एरोगेंस वाले यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं एरोगेंस वालों की जरूरत नहीं है। प्रतीक जी, प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं, आपका लोकतांत्रिक हक है, करिए, लेकिन जब कोई प्रदर्शन आपकी कट्टर सोच को उभारने लगता है, वो कट्टर सोच जिसमें गुंडा करती है, वो कट्टर सोच जिसमें अराजकता है, वो कट्टर सोच जिसमें दहशतगर्द है, तो माफ कीजिएगा, वो आखिर में और अंत में सिर्फ और सिर्फ आतंक का ही मोड़ लेती है। उस विचारधारा से हमें पहली बात, दूसरी बात, आज भी एक मिनट करते रहिए आप नए नए लड़कों को हथियार लेकर के भेज करके वहाँ आतंक पैदा करने की कोशिश करते रहिए, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन में ना आतंक पैदा हुआ है और ना ही होगा। और एक बात और मैं आप सबको ही बता देना चाहता हूँ, CAA का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर गद्दार और देशद्रोही करके पुकारेंगे, उसका पुरजोर जवाब यहाँ खड़े होके दूंगा। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि तादाद में ज्यादा हो तो सुन के देखो मेरी बात सुनो, इस मुल्क में भाईचारे से सब काम हुआ है, और इस मुल्क में संख्या के आधार पे कभी कोई काम नहीं हुआ है। नहीं नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं जी, कोई चैलेंज लो लो बैठो। जिस
कितने भी चिल्ला लीजिए, सच्चाई बता नहीं सकती। ठगते पा रहे हो ना तुम्हें, ठगो कि नहीं? क्यों बेचा बढ़ाओ है? चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। हम इस बात को क्यों नहीं मानते? वो 90% समुदाय मुसलमान है, हम सच्चाई से क्यों भी फिराते हैं? मेरी बहन बार बार कह रही है वो महिलाएं बैठी हुई झंडा लेकर के, आप सच्चाई को मानिए। अगर तकलीफ हिंदू मुसलमान दोनों को, अरे दो चार सिखों को छोड़ दीजिए, 95% वो मुसलमान है, आप मानिए इस बात को। मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100% मुसलमान है, और अगर वो अपने हक के लिए वहाँ पे खड़े, आप रोक नहीं सकते। मैं मान रहा हूँ, आप इसमें नहीं बांट सकते, आप संविधान की लड़ाई को इसमें नहीं बांट सकते। अगर वहाँ 100% भी है तो आप सिर्फ इसलिए उसको नकार नहीं सकते क्योंकि मुसलमान को हक नहीं है सरकार का विरोध करने का। मैं अनइंटरप्टेड मांगूंगी, आज भी आप चले जाएंगे और किसी भी महिला से वहाँ जाकर अगर पूछ ले कि सीएए क्या है, तो अंदाजे बयां सिर्फ ये है कि काला कानून हटाइए और हम कागज नहीं दिखाएंगे। असल में एक मिनट काली सोच तो उन लोगों की है जो वहाँ पर उन लोगों के सिरमौर बनकर बैठे हैं और उन्हें निरंतर भयभीत कर रहे काली सोच वाले लोग, वो है कानून काला नहीं। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जो कभी शाहीनबाग गए ही नहीं है, कहेंगे आप वहाँ जाइए, आप गई तब ना, मैं गई हूँ शाहीनबाग। बार बार आप उन औरतों से, महिलाओं से बोलिए, वो खुद साफ साफ बोलती है कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इतनी बार बोला है कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जिस दिन वहाँ जाएंगी ना, पूछ लीजिएगा महिलाओं से। देखिए प्रतीक जी, जिसने भी ये शाहीनबाग शुरू करवाया, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आराम से This is not the way. जी, जिसने भी शाहीन बाग शुरू करवाया, चाहे वो शर्जील इमाम ने शुरू करवाया, चाहे वो अमानतुल्ला ने शुरू करवाया, उन्होंने महिलाओं का, देखिए चुप रहिए, उन्होंने कहा, उन्होंने महिलाओं को आगे रख दिया। अब उन्हें दिल्ली पुलिस की एक फोटो की जरूरत थी कि दिल्ली पुलिस बुरके वाली महिलाओं को खींचेगी, वो फोटो को मैं छापूंगा। दिल्ली पुलिस ने वो मौका उनको दिया नहीं। आप मुझे बोलने दीजिए, प्रतीक जी आपको याद होगा, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, अन्ना आंदोलन हुआ था, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आंदोलनकारियों से मिलने गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कितने मंत्री, कितने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ शाहीन बाग में बैठे लोगों से मिलने गए? शाहीन बाग के लोग अपने ही लोग हैं, हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं, हिंदुस्तानी है। यह सरकार उनको पाकिस्तानी करने पे क्यों आमदा? ये आया बाजी, मैं आया। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है और वो ये कि चाहे बैठे वाले लोग वहाँ हो और चाहे खड़े हुए वो लोग यहाँ हैं, सारे अपने ही, तो अपनों के बीच में जैसे बातचीत होती है, बातचीत वैसे ही होगी। बातचीत का जो आज मौजूद है, जो आज टॉपिक है जिस पर बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ है, वो ये है कि वार्ताकार शाहीन बाग गए, उन्होंने आज बातचीत की और मसले का हल निकले, यानी जो सड़क पे हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं वो बात को समझे, उनकी बात को सरकार तक समझे पहुंचे और उनकी बात सही तरह से हल निकले, इसके लिए आज बातचीत हुई और यही हमारा आज का मुद्दा जो पैनलिस्ट के बीच में मौजूद है। जी जनाब, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ से हैं आप? कश्मीर से, जीएम भांडे। जीएम भांडे, बात मेरा यह है, हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? अरे किसी की कमी नहीं, जो भी है यहाँ पे इफरात में है, बहुत कुछ है जी। जो बंदे आए उन्होंने क्या क्या किया तो देश के लिए किया था नु। अब तो बात यह है, बात से बात क्यों नहीं बनेगा? जब इखलाक होगा, इखलाक से हर कुछ बनेगा। जब इखलाक है ही नहीं, पहले तो आपस में बैठो, आपस में सर बात करो। जब आपस में बात करोगे, बात ही से बात बन जाएगा। जब बात से बात नहीं किया तो बात कैसा बनेगा ना? क्या बात है, थैंक यू सो मच साहब। बात पहले बैठो, जो हमारे को ऐसा बनाता है, इससे बात निकले, उससे बात निकले, इससे कुछ नहीं चलेगा। जो मंत्री खुद करेगा ना, आपस में बैठकर करेगा ना, भाई बनकर बैठेगा ना, तब तो देश भी चलेगा, इंसान भी चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। कश्मीर से है, इनका कहना है कि हल ऐसे होगा कि पहले बात बैठ कर हो और बातचीत का हल निकले। जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आया है, ये बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि नेताओं को पहले हर लेवल पे हर निरंतर प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि वो फेल हो गया या बिल्कुल नहीं हो पाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कॉग्निशन लिया। जी 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 जी, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने की तब जरूरत पड़ी है, बिकॉज मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। जब रोज आने लगे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं ये कहने आया हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नशा है आने का, रोज का। नशा क्या हुआ, तो देश का नशा है हमारे पास। क्या बात है, गजब है।
देश को राइट ऑर्डर में ले जाने के लिए अगर आपका चैनल सही काम कर रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सही बात पहुँचाने के लिए एक अगर ये माध्यम है तो मैं आपके साथ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि जो वहाँ पर हमेशा जो ये माहौल फैलाया जा रहा है कि NRC मुस्लिम के खिलाफ है, CA मुस्लिम के खिलाफ है, दिस इज नॉट एट ऑल द राइट वर्ड इज, जैसे आपने अभी उन्होंने कहा कि या आपने कहा था कि 25 लाख मुसलमान, 20 लाख ये कितना था, 19। हम सोच सकते हैं, हम कानून पढ़ सकते हैं, हमको एक सेकंड, हमको बोलना कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा अपना दिमाग नहीं है, मुझे यहाँ पे किसी ने रखा है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश की महिलाओं से। हम महिलाएं सक्षम हैं, महिलाओं को मैंने आपकी बात सुनी, बिल्कुल सही, महिलाएं सक्षम भी है, सशक्त भी है। एक मिनट इफ्रा, एक मिनट, महिलाएं जब शाहीन बाग में बैठी है तो सशक्त है, आपके समर्थन में बैठी है तो सशक्त है, पर यही महिलाएं जब पॉलीगैमी यानी चार शादियों का विरोध करें तो सशक्त नहीं है, हलाला का विरोध करें तो भी सशक्त नहीं, ट्रिपल तलाक का विरोध करें तब सशक्त नहीं, ये दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप बताइए ना, किसने रोका विरोध करने से? कभी आपने सुना है कि किसी ने गोली चला दी किसी महिला पे क्योंकि वो हलाला का विरोध कर रही थी? आपने गोलियां चलवा दी जामिया पे, आपने गोलियां चलवा दी। जी देखिए, एक बड़े ठंडे दिमाग से बात जानना कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार, क्या हिंदुस्तान में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात ऐसी हुई हो जैन समाज को बुरी लगी हो? क्या पता कोई बात सिख समाज को बुरी लगी हो? क्या इस प्रकार कभी जैन समाज रोड पर उतरेगा? क्या इस प्रकार सिख समाज रोड पर उतरेगा? क्या इस प्रकार समुदाय और समाज रोड पर उतरने लगे, हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? जब मंडल लगी थी सब, आपको याद दिला देती हूँ, जब मंडल कमीशन आया था। अरे रुकिए, जब मंडल कमीशन आया था और रिजर्वेशन मिला था OBC को, तब आप लोगों ने पूरे देश को आग लगा दी थी, भूल गए वो दिन? और वो बात अलग है कि जामिया में आज भी वो रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता, जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी वो रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता। साबरीमाला में जब कोर्ट का ऑर्डर आया, आप तो अभी भी केरला में उसका विरोध कर रहे हैं, बसें जला दी है, पेट्रोल पंप लगा दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे मानव श्रृंखला बनी है, बिल्कुल शांति से विरोध हो रहा है। आप रामलीला मैदान हायर करिए, अरविंद केजरीवाल से बोलिए, अमानतुल्ला से बोलिए, रामलीला मैदान हायर करिए, वहाँ बैठे रहिए जितने दिन बैठा है। बात हुई, एक मिनट, यहाँ पर संवाद की बात हुई कि बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल एक मिनट भाई, अरे रुकिए, अरे अरे अरे, सरकार संवाद से क्यों करती है? प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं आप, ये सरकार से रोक तो मैं सकता हूँ। देखिए, दो तरीके से रोक सकता हूँ, एक तो यहाँ का वाइस चांसलर हूँ इसलिए रोक सकता हूँ, और दूसरी बात ये कि हल्ला नहीं, जब मैं इनको डांटता हूँ तो डांटूंगा मैं आपको भी। अब 2 मिनट बाद आएगा नंबर, 2 मिनट बाद नंबर आएगा। नो प्रतीक जी, इनसे आप देखिएगा, ये बोले ना, संवाद ऐसे नहीं बोलेगी, अब आ गया, संवाद की बात हुई, बिल्कुल संवाद होना चाहिए, वह भी तो वो बात करती है जब वहाँ पर लोग ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं कि वकील आए मध्यस्थता करे, बैठे हम बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन रास्ता नहीं खोलेंगे, ये कौन से विचार को आप जन्म दे रहे हैं? और आप यहाँ के समर्थक आपने मध्यस्थता का फैसला दे दिया, आप शाहीनबाग के रिप्रेजेंटेटिव है क्या? आपने कह दिया मध्यस्थता का रास्ता नहीं खुलेगा, मध्यस्थता अभी बीच में है, कल फिर से वो वकील वहाँ पहुँचेंगे, फिर बातचीत होगी, आप भ्रम मत फैलाइए, शाहीन बाग की झूठी रिप्रेजेंटेशन यहाँ मत करिए। तमाम लोग जो शाहीन बाग के रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं वो बकायदा ये बात कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। सरकार है ये, कैसी निकम्मी सरकार है कि अपने ही देश के जनता से संवाद करने से डरती है? मैं मानता हूँ कि शाहीन बाग के लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार शाहीन बाग के लोगों से बात करने से क्यों डरती है? संवाद कीजिए ना, ये बीजेपी वाजपेयी की बीजेपी रही है, वाजपेयी जी संवाद में विश्वास करते हैं। ऋषि मिश्रा जी क्या बात करते हैं? ऋषि मिश्रा जी, बात तो हम ही करते हैं, एक मिनट, डरते हैं सिर्फ 10 सेकंड, जब आप सरकार को निकम्मा बोलते हैं ना तो मेरी जनता को निकम्मा।
allow you. Go, go. मैं अपनी जनता के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, ये सरकार जनता ने चुनी है और जनता की सरकार को अगर आप निकम्मा कह रहे हैं तो मेरी जनता पर आप आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकार सक्षम है क्योंकि जनता ने चुना है और हम निरंतर सेवा में लगी हुई है। आप कहते हैं कि मेरी बात तो सुनोगे? अरे आप पत्रकार, अरे बात तो सुनोगे। देखो एक तो एक बात समझ लो, ये वो शो नहीं जहां नाटक चलता है, बहुत पहली बात। दूसरी बात, पहली बात सुनो, यहाँ पे माइक नहीं। दूसरी बात, आप पत्रकार हैं और पत्रकार का धर्म होता है कि उसको बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस का मतलब ये है कि आपा मत खोइए, चुपचाप खड़े रहिए। जी मुझे लगता है इनको पानी वानी पिलाइए कहीं। पानी नहीं, इनको अभी हम वो पान खिलाएंगे। देखिए शाहीन बाग की जो अराजकता है ये प्रदर्शन नहीं है, और मुझे माफ करिएगा, ये अराजकता प्रवक्ताओं में भी आ गई है। आप शांति से यहाँ बात नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे संवाद, कैसे होगे? आप तो गुस्सा होते। अरे जनता से कह रहे हो संवाद करो, आप नाटक करते हो, जनता से करो ना, सब सीख लो। तुम अच्छे रहना वरना तुम्हारे कान खींचूंगा। और हम क्या करेंगे? संवाद तब होगा जब हमारे गृह मंत्री बोलेंगे कि वहाँ के लोगों को करंट लग जाए। छोड़िए, आज छोड़ दीजिए उस बात को। आज बात हो रही है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बात की। ये कहती है कि शाहीन बाग की महिलाओं ने कहा है हम सड़क खोलेंगे ही नहीं। यही होता है जब आप कभी शाहीन बाग गए ही नहीं है। आज महिलाओं का बयान सुनिए। उन्होंने कहा पुलिस को बोलिए बैरिकेड हटाने के लिए, हम एम्बुलेंस खोलने को तैयार है, हम स्कूल बसें खोलने को तैयार है, हम सभी लोगों को जो इमरजेंसी में उनको छोड़ने को तैयार है। पुलिस को बोलिए बैरिकेड छोड़िए, आप माफी मांगिए देश से झूठ बोलने के लिए। ये बात महिलाओं ने कही वहाँ पे, जो सच है उसको मानिए, ये बात कही उन्होंने। बिल्कुल, अगर मानी है, अगर अरे आप फिर सरकार करने लगते हैं। अगर अरे पत्रकार है क्या, चुनाव भी लड़ेंगे क्या? अगर मानी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ आपकी। लेकिन ये वीडियो भी आई है जहाँ पर महिलाएं और लोग बोल रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, हम लोग रास्ता नहीं खोलेंगे, हम संविधान लेके खड़ी है पर एम्बुलेंस को रास्ता आज तक नहीं दिया। अब आप वो कंडीशन बोलने दीजिए। पहले इन्होंने शाहीन बाग के बारे में ये झूठ बोला कि वह महिलाएं मध्यस्थता में ये बोल रही है कि रास्ता नहीं खुलेगा। मध्यस्थता भी बीच में। दूसरी बात, संविधान के खिलाफ वहाँ एक शब्द नहीं बोला गया। खबरदार अगर आपने ऐसा झूठ नेशनल चैनल पर बोला तो एक शब्द दिखाइए। आप दिखाइए वीडियो मुझे। खबरदार क्या है? देखिए खबरदार पता नहीं, इन्होंने यहाँ पे भी शाहीन बाग का माहौल बना दिया। इन्होंने आपकी डिबेट में इन्होंने कॉलर पकड़ के, देखिए आज वहाँ पे तीस्ता सीतलवाद जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, वहाँ पे ट्यूटरेज कर रही है, वहाँ पे ट्यूटिंग चल रही है कि जब आएंगे इंटरलोकेटर तो क्या बात करी जाएगी। वहाँ पे ट्रेन करा जा रहा है, वहाँ पे किसी को ये नहीं पता शाहीन बाग में बात किससे करनी है, इनसे किसी को। आपने अपने सरकारी नुमाइंदों को भेजा था, आप औरों को तो बोलने दीजिए, सरकार के नुमाइंदों को भेजा उनसे बात करने। सरकारी नुमाइंदों ने तो कागज दिखाने के लिए भी नहीं भेजा था किसी को, तब कहे जा रहे हो कि कागज नहीं दिखाए। कागज दिखाए? आप प्रतीक जी आप मुझ पे नाराज हो जाते हैं, आप बताइए। बड़ा भाई भी हूँ आपका। आप बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। आराम से बोलो ना। हम कह रहे हैं कि गृह मंत्री पूरे देश के गृह मंत्री हैं। क्या गृह मंत्री को शोभा देता है कि बटन दबाओ यहाँ करंट लगे शाहीन बाग हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? जवाब देना होगा यहाँ। दिल्ली के जनता ने जवाब दे दिया। अब सुनो। प्रतीक जी कहाँ से पकड़ लाए इनको आप? जवाब दीजिए। नो, आई वोंट अलाउ यू रिप्लाई। कहाँ से पकड़ गए? ये देश के सम्मानित पत्रकार हैं। जी ये पत्रकार नहीं है, ढोंगी पत्रकार। सोचते होंगे कि ये भैया जी भी कैसे हैं, अभी तो ये कह रहे थे, अभी ये आ गया। जी। हेलो भाई साहब, ये जितने भी लोग यहाँ पे अपने आप को सम्मानित पत्रकार बता रहे हैं ना, तो हम लोग भी सम्मानित सिटीजन है यहाँ के, और हमने मोदी जी को वोट किया है तन मन धन से।
और जो लोग मोदी जी को निकम्मी सरकार बोल रहे हैं ना, मैं उनको महानिकम्मा बोल रहा हूँ, मैं उनको महानिकम्मा बोल रहा हूँ। ये जो सर ये निकम्मी सरकार नहीं है, ये मजबूत सरकार है, सीएप एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, एनआरसी लागू होगा, सीए लागू होगा। सारे लोग खड़े जो रोज बोलते हैं वो नहीं, कल नहीं बोला था ना, अरे कल खाना खाया था ना, हाँ तो ठीक है, आज मैं आ रहा हूँ। मैं सबसे बड़े मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, नेशनल थ्रेट कुछ नहीं है, आप जाओ इंग्लैंड में, आप जाओ स्वीडन में, आप जाओ फ्रांस में, इंग्लैंड में इंग्लिश डिफेंस लीग बनी है, अरे भैया पूरा वर्ल्ड पढ़ो, रेडिकल इस्लाम सबसे खतरनाक चीज है, एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए सर, ये क्यों नहीं होना चाहिए, आप पूरे पूरे यूरोप में देखो, आप पढ़ो ना यार, गूगल पे मारो सर। नहीं नहीं सवाल ये नहीं है, मेरी बात सुनो, पूरे इस्लाम को आप नहीं खींचिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आप नहीं आप बैलेंस करिए, जो बात मैं कह रहा था ऋषि को, पत्रकार का मतलब होता है बैलेंस होना, और सबसे मुश्किल काम क्या है ना, लाइफ में हम अपना बैलेंस खो चुके हैं, हर चीज की प्रतिक्रिया देते हैं, सम टाइम यू हैव टू लिसन ऑल्सो, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। रेडिकल इस्लाम ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, पर बहुत बहुत तार्किक दृष्टि से, बहुत तार्किक, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास, जरूर आऊंगा, दो मिनट दीजिए मुझे बताया जी। देखिए प्रतीक जी, शाहीन बाग के लिए मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि शाहीन बाग में जो महिलाएं और जो भी वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, रास्ता खोलने के लिए मध्यस्थता की बात अभी बीच में है, और वो लोग भी जानते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि बात सुनिए यार भाई, आपसे बात करूँ ऑफ कैमरा आके, फिर करूँ क्या, मैं ये भी चाहता हूँ अरे चुपिया आप, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग एक बार, आप परेशानी उठा रहे हैं मैं जानता हूँ रास्ते की वजह से, एक बार सरकार से ये भी कह दीजिए कि किस परेशानी की वजह से ये लोग सड़क में आए, उसे भी कम से कम सुनने की कोशिश करें, रास्ता खुलने की बात बिल्कुल चल रही है जी, मैं आया जी। महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है कि शाहीन बाग को मत बनाइए यहाँ पर, ये दिल्ली का दिल है सीपी जो है, और मैं एक निवेदन इनसे भी ये भी करना चाहूंगा, आपने देश के गृह मंत्री की नहीं सुनी, देश के प्रधानमंत्री की नहीं सुनी, देश के कानून संविधान सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी, तो अब आपके जूते या लट खा के सुनोगे। देखो नौजवान, मैं तुम्हारी ऊपर वाली बातों से सहमत हूँ, नीचे वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और ये बात पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देती, नहीं कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट करने का राइट है जी। सुनो भाई अब सुनो हाँ जी, अरे जो भी लोग यहाँ हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो साइन बैन का विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं प्लीज, गवर्नमेंट में किसकी बात का एतबार किया जाए, किससे बात की जाए, सिर्फ उस आदमी का नाम बताएं, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कुछ और, मोदी जी कहते हैं अभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई, और ये लोग कहते हैं कुछ और, किससे बात करें, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, जिस तरह की बात करना चाहते हैं, लेकिन किससे बात करें। जनाबे अली दो बातें हैं, देखिए जनाबे अली दो बातें, सीए का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में, प्लीज मंदिर बन रहा है, चुप रहो, सीए का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, सवाल ये है भाई, या तो तुम लोग बात कर लो या मैं बात कर लूं, एक मिनट आ रहा हूँ। सीए का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, मसला सिर्फ इतना है कि सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करना ठीक है, जायज है या गलत, सिर्फ इतना मुद्दा है। जितने भी मुद्दे हैं और जितनी भी प्रोटेस्ट हैं आज तक, उससे पहले भी हुए हैं, आजादी के भी हुए हैं, सड़क रोकेगी, रोडों पे भी हुए हैं, मैदानों में भी हुए हैं और खलियानों में भी हुए हैं। देखिए प्रतीक जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कल कहा है कि रास्ता रोका गया है वो बात ठीक है, उसकी मध्यस्थता करी जाए, लेकिन प्रोटेस्ट करने का अधिकार तभी भी बरकरार है जबकि सुप्रीम कोर्ट में सीए का मैटर पेंडिंग है जी, तो वो करा जा सकता है और वो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी मध्यस्थता बीच में जी। लेकिन रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में 25-30 लाख लोग जो नोएडा से गुड़गांव जाते हैं उनका रास्ता रोक के नहीं, बोल चुका है कि रामलीला मैदान प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत दूर हो जाएगा, अब कहां से आप रामलीला मैदान पेट के हुए हैं जी। मैं आ रहा हूँ आराम से बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, तमाम सारे लोगों के साथ स्पाइडरमैन का भी स्वागत है। कहाँ तो ढाई साल कहाँ रह गए, बीच में आए नहीं, मैं एक्चुअली शो कर रहा था सर, गुड़गांव में शो कर रहा था। अच्छा फिर तो आपकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ गई, इसके मतलब तो ढाई साल पहले आते थे आप, फिर आना बंद कर दिया। नहीं एक्चुअली सर, आप लोग की वजह से ही पॉपुलरिटी इतनी बढ़ी है कि इतने लोग देखते हैं, तो कहीं भी रोड पर भी मिल जाते, कहते हैं कि वही स्पाइडरमैन है जो भैया जी कहीं में आता है। मैं तो कहूंगा भैया जी कहीं में आप आते रहिए बीच बीच में जब भी मौके, लेकिन आपके घर का परिवार का मैं सुख शांति और तमाम समृद्धि की कामना करता हूँ, ऐसे ही बढ़िया चलना चाहिए। और एक चीज और कर दीजिए, ये जितनी समस्याएं हैं ना ये सबको दूर कर दीजिए सर। एक्चुअली समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, लेकिन करने वाले का जुनून होना चाहिए कि समस्याओं को दूर करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।
ये स्पाइडरमैन के पास दिमाग भी है, ये सिर्फ देखने वाला नहीं स्पाइडरमैन है, इस स्पाइडरमैन के पास दिमाग भी है। और बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा कभी कभी ना भी बोलोगे तो खाना हजम होगा घर में, ऐसा नहीं है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। बात दरअसल आज शाहीन बाग में थी, शाहीन बाग में वार्ताकार पहुंचे थे, वार्ता के लिए पहुंचे थे और कुछ ना कुछ रास्ता जल्दी निकलेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। 5 दिन अभी और हैं वार्ता करने के बाद, आफ्टर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे फिर जाएगा मसला। और उम्मीद करते हैं कि ये मुल्क जो है सभी का है, बराबर का है, भाईचारे से ही समस्याओं का हल निकलता है। इसलिए बहुत गर्म दिमाग से, और जब आप उल जुलूल बोलते हो ना तो समस्या बिगड़ती है, इसलिए बहुत शालीनता के साथ अब लोग एक तरह से बोलेंगे तो समस्या का हल निकल आएगा, बहुत जल्दी निकल आएगा। किसी ने मना नहीं किया, 100% ये मुल्क सबका है, लेकिन मुझे ये बात बताइए, बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, देश में कोई भी सुधार हो ये मुस्लिम समुदाय को आपत्ति क्यों होती है? नहीं नहीं, नहीं आप दूसरी बात, ये नहीं नहीं बिल्कुल सच्ची बात है, कड़वी बात, सच्ची बात है। मैं नहीं बिलीव करता, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी पूरी बात, आज देश में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड आएगा, कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, पहले जो बात हो रही है उस पर बात करेंगे, एक अभी समझा नहीं तो दूसरा आपने लिया, अभी पहले बात करने दीजिए। जी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बोलती हूँ कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा अपशब्द किसी बात में गलत, तो मैं उसको लूंगी नहीं। मेरी पार्टी की संस्कृति नहीं है, मेरी सरकार की संस्कृति नहीं है। थैंक यू सो वहाँ पर जो भी, लेकिन अगर वहाँ पर लोग बैठे हैं वो गलत है, उनको भयभीत किया गया, भ्रमित किया गया, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया गया। एक मिनट, मैं नहीं कह रही वो महिलाएं गलत है, नहीं, ये तो इतिहास गवाह रहा है कि मुसलमान महिलाओं का गलत इस्तेमाल मुसलमान मर्दों ने करा है। और ये नहीं नहीं नहीं, आप देखिए हलाला, आप देखिए ट्रिपल तलाक, क्या नहीं हुआ? जो गलत है वो गलत है, इतिहास गवाह रहा है। आज कोई भी नहीं बोलता, आप बोलिए ना उसके बारे में भी बोलिए। ये मुसलमान महिलाओं को वोट बैंक बनाने के चक्कर में निकले थे, जब तक मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक का इनका साथ दिया तब तक मुस्लिम महिलाएं अकलमंद थी, सक्षम थी। आज जब वो सीए के खिलाफ बोल रही है, अरे अब तो तुम लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, तुम लोग तो बेवकूफ हो, वो मुस्लिम महिला तब भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है। जहाँ तक आज सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन की बात हुई है, आप शाहीन बाग नहीं गई ना? जो सुप्रीम कोर्ट के मीडिएटर शाहीन बाग गई, उनके बयान पढ़िए, उन्होंने कहा यहाँ की मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं से बात करके दिल में सिर्फ एक ही बात याद आती है, प्रियम्बल याद आता है, हमारे संविधान का पहला पन्ना याद आता है, हम भारत के लोग याद आते हैं। उनकी सर्वोच्च न्यायालय के मीडिएटर्स की बात सुनिए जो शाहीन बाग होके आए हैं। जी, मैं अगर मुसलमान मर्दों की बात करूँ तो ये नहीं, यहाँ मेरे भाई खड़े इनकी बात करी, तमाम जो मुसलमान लोग खड़े उनकी बात नहीं हो रही, ये उन मुट्ठी भर मौलानाओं की बात हो रही है जिन्होंने निरंतर कुरान को मिसकोट करके, शरीयत को मिसकोट कर भ्रम फैलाया है। इतनी वीडियो वायरल है, हम सीए खत्म कर देंगे, हम मोदी अमित शाह को मार देंगे, कैसी राजनीति कर रहे हैं। मैडम देखिए, ये मुद्दा मौलानाओं का भी है नहीं, अभी बात मध्यस्थता की, शाहीन बाग के रास्ता खुलाने की बात चल रही है। अरे सुनिए, आप तमाम शोर मचाइए, आपने एक बात भी, दोनों में से एक ने भी एक बात अभी तक ऐसी नहीं कही जिसमें शाहीन बाग का रास्ता खुलने में कोई आसानी आए। मुझे शर्म आती है कि आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं, आप कोई एक बात ऐसी करिए, कोई एक बात उनकी सुनने की करिए, उनसे कुछ कहिए, कुछ अपील करिए, अपनी बात रखिए, आप रास्ता खुलने की कोई रास्ता बताइए। हम तो मामूली प्रवक्ता है, हमारी हैसियत क्या है? प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने बोला है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई आंच नहीं आएगी, तो आप वो मानिए और घर जाइए, वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, हमें पता है संजय हेगड़े के साथ मैंने बहुत सारी डिबेट करी है, संजय हेगड़े नरेंद्र मोदी का, सुनिए तो आप बीच बीच में कूद क्यों आती हैं? संजय हेगड़े के साथ मैंने कम से कम 50 डिबेट करी है एनडीटीवी पे, वहाँ पे संवाद की स्थिति नहीं है। मैं राहुल कनवल के शो में खुद गया था, जैसे ही मैंने सीए का सपोर्ट करा मुझे साइड कर दिया गया, 15 मिनट में मुझे डिबेट छोड़ के आनी पड़ी, मुझे वहाँ पे रेस्क्यू करना पड़ा। वो ऐसी जगह है जहाँ पे रवीश कुमार को जाने दिया जाता है लेकिन सुधीर चौधरी के लिए ताले बंद है वहाँ पर। मुद्दा यही है, वहाँ पे संवाद नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप जैसे ही सीए के सपोर्ट में बोलेंगे आप पे मार पिटाई होगी या आपको हटा दिया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि संजय हेगड़े सबको पता है मुझे मारा गया, मुझे खुद मारा गया। राहुल माल कर रहे हैं आप चलिए मेरे साथ, आप रखिए अपनी बात। मेरे को मारा गया, राहुल कलवल ने ट्वीट करके मुझे उसके सॉरी मांगा। राहुल कलवल इंडिया टुडे के हैं, आप संजय हेगड़े पे सवाल उठा रहे हैं,
आप सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने नो 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 कह रहे कि मैंने डिबेट मैं देखिए मैं ये कह नहीं मैं ये कह रहा हूँ नहीं ये इनकी इनकी बात है ना मैं कह रहा हूँ ना मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे और जो उन्होंने अपॉइंट किए उस पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं इस मुल्क के आईन पे भरोसा है इसके संविधान पे भरोसा है और इधर जनता पे भरोसा है जी खत्म हो गई बात जी जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ भैया बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता कर भेजा है अब ये कह रहे थे कि मतलब बातचीत किससे होगी तो सरकार थोड़ी ना आपके पास बातचीत करने जाएगी बातचीत करने के लिए तो आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा ना अब ये अमित शाह जी ने बोला कि जिसको परेशानी है आप मेरे से आके मिलिए मेरे से बात करिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि 50,000 आदमी एक साथ जाकर उनसे मिल लेगा इस चीज को भी देखिए ना आप एक मीटिंग करिए 10-20 बंदे अपने बिठाइए उन बंदों को वहां से जाके बात करिए ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई मार्च लेके चल दिए ये कोई तरीका नहीं हुआ ना जी 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 ऐसा करो पहले दोनों लोग तय कर लो उसमें एक ही बोलेगा दोनों में से एक बोलेगा और ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे रस्सी क्रॉस कर गए मैं ये कहना चाहता हूं सर कि 70 साल से हम पाकिस्तान से वार्ता कर रहे थे क्या हम कश्मीर समझौता वार्ता द्वारा हल कर पाए हमारी कितनी सरकारें आए कांग्रेस भी आई मोदी की समस्या का हल वार्ता से ही होता है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं वार्ता उनसे की जाती है जो समस्या का हल करना चाहते हो शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो हल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मोदी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है देश के अंदर सारे संसार में उनकी तारीफ हो रही है यूपी का बजट इतना बढ़िया आया है उसका ध्यान हटाने के लिए ये शाहीन बाग में बैठे हुए हैं और मोदी सरकार के बारे में आज 45 इयर्स में हमारे देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है हमारा एफडीआई हमारा एफडीआई -1 पर है -1 हमारे देश से एफडीआई बाहर जा रहा है हमारे स्वास्थ्य की हालत देखिए शिक्षा की हालत देखिए और ये कहते हैं मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है भाई रोजगार अर्थव्यवस्था को ठीक करो सवाल मोदी पे नहीं है आज जी यहाँ पर रोजगार और शिक्षा पे बात हुई इन्हें रोजगार तब याद नहीं आता जब 10 लाख लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं ऑफिस जाने में शिक्षा तब याद नहीं आती जब बाहर बैठकर शोर मचा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में बच्चों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं घरों में चूल्हे नहीं चल रहे इन्हें महिलाओं की याद नहीं बोलती है बच्चों को और एम्बुलेंस को कोई रोक ही नहीं रहा आपके जो मन में आ रहे हैं आप बोले जा रहे हैं आपके जो बच्चों को और एम्बुलेंस को वहाँ कतई नहीं रोका जा रहा है कान खोल कर सुनो मैंने क्या बोला है मैंने कहा है शोर की वजह से बच्चे वहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे स्कूल में लेट हो रहे हैं अरे भाई साहब मकान नहीं है सड़क पे बच्चे नहीं पढ़ते लोटस वैली स्कूल के बच्चों ने खुद बोला है कि हम स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग ट्यूशन नहीं जा पा रहे क्योंकि टाइम लग रहा है जी 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 आराम से खड़े रहोगे तो आऊंगा भाई रवि दिल्ली से ठीक है मेरा कहना ये है पहले तो कोई भी आंदोलन हो कुछ भी हो उसका सबसे पहला होता है सोच से ये सोच है या कुछ और है अगर सोच है सोच से पैदा होता है व्यक्तित्व से पैदा होता है निर्णय और निर्णय इतिहास बनाता है ठीक है आज हम उस मुहाने पे खड़े हैं हम पूरा समाज हिंदू मुस्लिम को साइड करो सारी पार्टी लाइन को हटाओ उस मुहाने पे खड़े हैं हम चाहे तो इतिहास बना सकते हैं कि देखिए इतना बड़ा आंदोलन ये तो शुरुआत है अभी अगर इसको हमने अभी नहीं रोका तो ये और बढ़ेगा मैं नहीं चाहता एक हिंदुस्तानियों ने नाते कि किसी भी तरह की कड़वाहट पैदा हो कि अभी यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है ये भी छोटे शहरों में अब शुरू हो रहा है बैंक नहीं और शहरों में शुरू हो तो वहाँ तो बहुत परेशानी हो जाएगी सब लोगों को वो भी हमारे भाई बहन सबके हैं ना मैं दिल्ली मेट्रो में आराम से हूँ मैं चाहता हूँ कि हम इतिहास के उस मुहाने पे खड़े हैं एक मिसाल पैदा करें कि देखिए रवि साहब क्या काम करते हैं आप सर मैं साइंटिफिक और लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है हमारा बहुत अच्छी सोच रखते हैं आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं आप आज अगर ये है बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से ही रास्ता निकलना चाहिए जी मैं आया मैं कहता हूँ लोग कहते हैं जी गांधी गोट से नहीं इसको खत्म करो आप
गांधी गोडसे ने भी अगर गलती की ना एक की सिर्फ उसने बंदे ने, मैं आरएसएस का बंदा मैं, नहीं नहीं मैं बाद में बात करूंगा गांधी गोडसे, मैं बाद में बात करूंगा जी जी जी। मेरा सुन लो, कहाँ से हैं आप? मैं ले लद्दाख से आया हूँ जी, जल्दी जल्दी। ना मैं बीजेपी हूँ, ना कांग्रेस हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं एक देशभक्त रिटायर फौजी हूँ। मुझे शर्म आती है आप लोगों को देखकर, टीवी पे देख रहा हूँ एक साल दो साल से। क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे आप लोग, क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे आप लोग? सबसे पहले हिंदुस्तानी बनो, बाद में है मुसलमान बुद्धिस्ट हिंदू। मैं रिटायर फौजी हूँ, 30 साल फौज में सेवा करके अभी रिटायर होकर आया हूँ दिल्ली से, दिल्ली में। मुझे शर्म आती है आप लोगों को देखकर, क्यों बात करते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान? नहीं बात सुनो, बात सुनो आप लोग, रुको मेरा बात सुनो। देखो सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है इस यही बोलो, उसके बाद शाहीन बाग का है सही है, अपना प्रोटेस्ट करने का हक है तरीके के साथ। कल को और कोई मुद्दे पर ये कनॉट प्लेस पर बैठ जाएंगे, बैठेंगे ना, तीसरे दिन इंडिया गेट पे बैठ जाएंगे कोई मुद्दा लेकर। नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, सही है हक प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उसका भी कोई एक फौजी सबसे बड़ा होता है, मेरा मानना है प्रतीक जी। अगर ये कह रहे हैं ना तो वाकई लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि आप अपने निजी फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं किसी और को आपत्ति तो नहीं दे रहे। क्योंकि वाकई जो बात सच है कि सीए से हिंदुस्तानी नागरिक चाहे किसी भी धर्म का, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाथ जोड़ के आपके चैनल से मैं निवेदन कर रही हूँ कि लोग जो बैठे हैं आराम से बात करें और समझे। आप विरोध करिए पर उस तरीके से करिए कि बाकी किसी और को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आपका लोकतांत्रिक हक है भाई अपने हक का इस्तेमाल। मेरा भी भाजपा से और बीजेपी की सरकार से निवेदन है कि रोजगारी बेरोजगारी चर आसमान छू रही है हमारी अर्थव्यवस्था। लो लो प्लीज, बीजेपी का अपना डेटा लेबर सर्वे आप लोग पढ़ लीजिए, आप देखिए क्या हाल है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मेरा मोदी सरकार से निवेदन है कि अब ये डिमोनेटाइजेशन, आधार, आंखों की पुतलियां निकालो, एनपीआर, एनआरसी, इसको छोड़ के अब बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन चीजों पे आ जाइए। प्रतीक जी लास्ट में मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ठीक है आप सब लोगों में कोई किसी बात को लेकर आक्रोश होगा, लेकिन जो शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं किसी ना किसी बात से वो भी सरकार की नाराज है, तो शाहीन बाग के लोगों से भी, अपने साथियों से और सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि कोई मध्यस्थ का रास्ता निकाल के इस चीज का हल निकाले और देश को आगे लेकर के चले जी। अभी वरुण गोवर एक कॉमेडियन है, उन्होंने कहा था बड़ी मार्मिक रूप से हम कागज नहीं दिखाएंगे, और 2 महीने बाद उन्होंने अमेरिका में शो आज उन्होंने डाला है, अमेरिका में जाते समय उंगली का छाप भी देंगे, कमर का नाप भी देंगे, लेकिन भारत में अगर सरकार मांगेगी तो बसें जलाने लगेंगे। देखिए एनआरसी हर देश में होता है, हर देश में सिटीजन का रजिस्टर बनाना पड़ता है, भारत में भी बनेगा वो रजिस्टर, अभी बनेगा बाद में बनेगा सर, लेकिन ये भी साथ में बोलिए सीए नहीं होता हर देश में, एनआरसी होता है हर देश में, सीए नहीं होता हर देश में। देखिए जूश कम्युनिटी के लिए, प्रोसिक्यूटेड जूश कम्युनिटी के लिए अमेरिका में बिल्कुल सीए जैसा कानून है, बहुत पुरानी चीज है ये। मैं भारत में यदि अगर भारत की अखंडता शांति के लिए अगर सीएए एनआरसी कुछ भी हो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इधर पिछले 5 साल 8 सालों में जिस तरीके से सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है उसके प्राइवेटाइजेशन नहीं, मित्रों ठेकेदारी की जा रही है, ठेकेदारी, और ठेकेदारी में भारत की जनता को ही बेरोजगार किया जा रहा है, और इसका भुक्तभोगी कोई सरकारी कर्मचारी, किसी का बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े आंख नहीं होते हैं, वो हम ही और आप होते हैं। आप ये चीज नोट कर लो, जिस तरीके से आज के डेट में मोदी सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है मैं उसका खिलाफत करता हूँ, लेकिन वेरी वेल टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया। आया, एक मिनट को, हाँ जी। मैं इन भाई साहब की बात में बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि शाहीन बाग में जो बैठे उनको गद्दार मत बोलो, ठीक है मैं कहता हूँ गद्दार नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ेगा, जो इस देश को नुकसान पहुँचाएगा वो इस देश का गद्दार है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, एक मिनट, ये बात उन्होंने कही कि ये सरकार निकम्मी है, मैं कहता हूँ सरकार निकम्मी नहीं है, निकम्मा वो है जो वहाँ